संजय भारद्वाज साहब, अभी हाल ही में हमने देखा किस तरह से गलत मानचित्र पेश किया गया, और बहुत मैं शुद्ध हिंदी का अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मानचित्रण आक्रामकता इसे कहा जा सकता है चीन की, उस पर लगाम लगाने की कोशिश सामूहिक रूप से आसियान समिट के जरिए हम होते हुए देखेंगे क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो कार्टोग्राफी मैप में किया गया ये बेसिकली ऑब्जेक्शनेबल है। चीन की दो तीन नीतियां मैं आपने विस्तारवादी कही, मैं उसको कहूँगा रिविजनिस्ट पॉलिसी होगी। वो हिस्ट्री में जाके देखना चाहते हैं, इतिहास में अपने ज्योग्राफी को देखने का प्रयास करते हैं। मैं इसको और अगले रूप में कहूँगा कि चीन मिडिल किंगडम थ्योरी में विश्वास करता है। वो मिडिल किंगडम की हम किंगडम है और ये छोटे छोटे जो प्रोविंसेज है हमारे सुजनेशिटी में है, हमारे उसमें प्रभाव में है। ये ऑब्जेक्शनेबल है साउथ चाइना सी को लेके, व्यापार को लेके, जिस तरीके का चाइना का एक डोमिनेंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, चाहे उनका एनर्जी सेक्टर हो, चाहे मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें उनको ओवर शैडो कर रहा है और वो अनकंफर्टेबल है आसियान कंट्रीज़, वो उससे उस शैडो से बाहर निकलना चाहते हैं सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दृष्टि से। उसमें भारत में उनको एक झलक दिखती है कि एक कंट्री है जो इस पॉलिसी को, इसको बैलेंस कर सकता है, इसको कंटेन कर सकता है। लेकिन एक मुद्दा और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से और आसियान कंट्रीज की दृष्टि से, वो है म्यांमार का मुद्दा। जिस तरीके से म्यांमार में जेनोसाइड और एट्रोसिटीज, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, वो उसका सह जो है वो चीन की तरफ से है। मिलिट्री जनता को जो सपोर्ट मिल रहा है, जो वो सस्टेन कर पा रहा है, उसका चीन का सहयोग है। आसियान इससे बहुत नाराज है क्योंकि एक म्यांमार भारत के लिए भी और आसियान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। जियो इकोनॉमिकली, जियो स्ट्रेटजिकली एनर्जी रिसोर्स उस पर बहुत रिच है, चीन उसके सारे रिसोर्सेज को खाना चाहता है, और साथ ही साथ जो अपना चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से वो बे ऑफ बंगाल में, बिल्कुल। और सर, जो देखा भी गया, चाहे वो पाकिस्तान का हाल हो, श्रीलंका का हाल हो, इसे समझा जा रहा आसियान कंट्री की तरफ से, और यही वजह है कि एक बड़ा काउंटर भी चाहते हैं। इस बीच देखें एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, इसी को लेकर ये बता दें, ईस्ट एशिया सम्मेलन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। जैसा हमने आपको बताया, आसियान के बाद ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 9:30 बजे का वक्त है, 7:30 बजे पहले आसियान और उसके बाद ईस्ट एशिया समिट 9:30 बजे। ईस्ट एशिया समिट ने भी पीएम के लिए बदलाव किया है समय का, 3 घंटे पहले ईस्ट एशिया सम्मेलन होगा। अब बिग वॉल के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि ईस्ट एशिया समिट को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे इसमें बदलाव किया गया, और काफी यह अहम माना जा रहा है। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ यह आप देख लीजिए, पूरे एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने ईस्ट एशिया सम्मेलन को लेकर। पहला सम्मेलन 2005 में कहां पर हुआ, मलेशिया में हुआ, और कुल जो इसके सदस्य हैं वो 18 देश इसमें शामिल हुए। बिल्कुल, एक एक डिटेल ईस्ट एशिया सम्मेलन से जुड़ी हुई आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक विकास, ये तमाम मोटिव रहे, मकसद जो ईस्ट एशिया सम्मेलन का है वो जान लीजिए। सामरिक विकास, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर फोकस, चीन पर लगाम लगाने की कोशिश, ये देखिए, ये साझा एजेंडा आप मान सकते हैं इन दोनों समिट का। ईस्ट एशिया के 18 देश इसके सदस्य हैं और इसलिए ये सम्मेलन जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, कुल मिलाकर पुख्ता तौर पर होता क्या नजर आ रहा है? अब अगर हम आसियान से हटकर थोड़ा ईस्ट एशिया सम्मेलन के बारे में जानना चाहें, क्या होता आप इस बार देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ईस्ट एशिया समिट में आसियान के 10 कंट्री और इसके अलावा 8 कंट्री जिसमें भारत है, अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है, ये सब शामिल हैं। और आप सोचिए कि वहां पर चीन भी मौजूद रहेगा, लेकिन ईस्ट एशिया समिट का फोकस इंडो पैसिफिक एरिया में होता है। और इंडो पैसिफिक एरिया का मतलब यह है कि चीन के जो ये बेतुका क्लेम होते हैं, बेतुका क्लेम मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मैं ताइवान में था और उस समय चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया कि ताइवान में बहुत सारे चाइनीज रेस्टोरेंट है, यही साबित करता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। आप सोचिए, चीन के अलग अलग क्लेम है। मैं तो कई बार डरता यह हूं कि न्यूयॉर्क में उनका एक अनऑफिशियल पुलिस स्टेशन है, कल के दिन में चीन यह ना कह दे कि न्यूयॉर्क चीन का हिस्सा है क्योंकि वहां हमारा चाइनीज लोग रहते हैं, वहां पर चाइनीज लोग रहते हैं। यही आशंका दरअसल आसियान क्षेत्रों में है या ईस्ट एशिया के मुल्कों में है कि चीन के बेतुके क्लेम आते हैं, वो कभी नक्शे के जरिए, कभी चाइनीज रेस्टोरेंट के नाम पर, कभी चाइनीज भाषा के नाम पर।
ईस्ट एशिया समिट में दरअसल चीन की मौजूदगी में अगर मैं कहूं तो उनके छाती पर बैठकर आप चीन को बिल्कुल और इसको थोड़ा और भी समझते हैं एक और एंगल से महेश सचदेवा सर, क्योंकि ये बात जैसा खुद मनीष झा ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि आखिर जो वक्त में बदलाव आसियान और ईस्ट एशिया समिट में क्यों किया गया, क्या ये बात चीन को चुभ सकती है? जी, अगर चीन ये सोचता है कि जीरो सम गेम है और जो भारत के लिए किया जा रहा है वो चीन के प्रति उनके उनकी अवहेलना दिखाता है तो उसे ऐसा लगेगा। लेकिन मैं परिप्रेक्ष्य बताना चाहूँगा कि आसियान देश अलग अलग चीन के ऊपर बहुत निर्भर हैं, उनका सारा व्यापार चीन के साथ, चीन सबसे बड़ा व्यापारी देश है उनके साथ, और तकरीबन सारे आसियान देशों का चीन के साथ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन के साथ सब चीज़ निष्कंटक है, लेकिन अलग अलग और सामूहिक तौर पर दोनों तरह से आसियान में वो हिम्मत नहीं है कि वो चीन का सामना कर सके। 9 डैश लाइन को अभी नक्शे में 10 डैश लाइन बना दिया गया है और उसके बावजूद सिर्फ कागजी कार्रवाई पर प्रतिरोध हो रहा है। तो ये सब दिखाता है कि वास्तविकता नहीं, लेकिन लेकिन कागजी वास्तविकता ठीक है, फर्क है। अम्बेसडर त्रिपाठी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर हमने ताज़ा एग्जाम्पल अभी देखा, मानचित्र की हमने बात की, चीन ने क्या गुस्ताखी की वो हम सब ने देखा, क्या इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से चीन को मैसेज देने के लिए ये किया जा सकता है कि संयुक्त रूप से उस मानचित्र को लेकर असहमति का इजहार किया जाए और चीन को एक मैसेज दिया जाए, क्या ये मुमकिन है या नहीं? देखिए, बिल्कुल ये किया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि इसमें आसियान के कई देश सीधे रूप से प्रभावित हैं, उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया है जी। फिलीपींस ने किया है, इसके साथ साथ वियतनाम ने किया है, और आप देखिए तो जापान भी, हालांकि आसियान का देश नहीं डायलॉग पार्टनर, लेकिन जापान भी या ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खुश नहीं है, सिंगापुर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। तो अगर आधे के करीब आसियान देश इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी सीमा को गलत दिखाया जा रहा है, राइट, तो निश्चित है, मानिए कि भारत उसके साथ है तो बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपाठी सर, तो मैप को लेकर जो गलत तरीके से चित्रण किया गया, जो गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया, इसको लेकर भी आसियान में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दें, 2021 में पीएम मोदी आसियान समिट में ऑनलाइन शामिल हुए थे, ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा था भारत के आसियान देशों के साथ हजारों सालों से संबंध है, इंडो पैसिफिक में भारत और आसियान देश आपसी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खानपान हर जगह पे दिखते हैं, और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है।